हेलो एवरीवन, ड्रीम इज नॉट दैट यू सी इन स्लीप, ड्रीम इज समथिंग दैट डजंट लेट यू स्लीप। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ये वीडियो मैं बना रही हूँ ताकि मैंने जो अपने रूम में चेंजेस किए हैं वो मैं आपको दिखा सकूँ, क्या क्या न्यू चीज़ें मैंने अपने रूम में रखी हैं, क्या क्या मैंने अलग अलग चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की हैं, वो सब दिखाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। सो आई होप कि आप ये वीडियो इन्जॉय करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। जो सबसे पहले आपको चीज़ दिख रही है वो है जो मैंने मैप लगाए हैं। सबसे पहले वर्ल्ड मैप है और उसके बाद इंडिया का मैप है। तो वर्ल्ड मैप और इंडिया का मैप मैंने इसलिए लगाया है ताकि जब भी मैं पढ़ रही हूँ और मुझे किसी भी कंट्री या रीजन को ट्रेस करना है तो मैं सीधे यहाँ पर देखूँ और वो मुझे मिल जाए, ताकि मेरा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो ये आप देख सकते हैं, ये वर्ल्ड मैप एंड देन ये है इंडिया का मैप। इसके बीच में मैंने ये कुछ ब्लैंक पेजेस लगाए हैं। वो मैंने क्यों लगाए हैं मैं आपको बता रही हूँ। ये मैंने लगाए हैं ताकि मैं डेली के टारगेट्स यहाँ पर लिख कर उनको मार्क कर सकूँ। जब ये पेजेस भर जाएंगे मैं इन्हें स्टक आउट कर दूँगी। और इसी तरीके का एक पेज मैंने यहाँ पर नीचे लगाया है, ये देख सकते हैं आप, ताकि इस पर मैं अपने डेली टारगेट्स नोट कर सकूं। नेक्स्ट टू दिस फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर एक टेबल दिख रहा है। जैसा कि मैंने आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस में दिखाया था कि मेरे पास कोई टेबल नहीं था, मेरे पास एक चेयर थी जो कि इस प्रकार ऐसी चेयर थी मेरे पास जिस पर पढ़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता था क्योंकि मेरी गर्दन दुखने लगती थी। तो इसीलिए मेरे पापा ने मुझे ये टेबल दिया है। ये टेबल वो अपने ट्यूशन सेंटर पे यूज़ करते थे, तो अभी वो ट्यूशन्स नहीं पढ़ा रहे हैं तो इसलिए उन्होंने मुझे ये टेबल दिया है। और ये टेबल उन्होंने 1.5 साल तक यूज़ किया था। आप देख सकते हैं इसका ये जो नुक है ये टूटा है, तो अभी मैं इसे यूज़ करूँगी। और आई एम वेरी हैप्पी कि अब मुझे टेबल मिल गया और मेरी गर्दन नहीं दिखेगी, क्योंकि लॉन्ग आवर्स पढ़ना होता है तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो पहले वीडियोज़ में मैंने आपको ये भी बताया था कि मेरे पास कोई लैम्प नहीं है तो इसीलिए मैं बल्ब यूज़ करती हूँ होल्डर पर लगाकर। लेकिन अब मैंने ये लैम्प बाय कर लिया है और आप ये देख सकते हैं कि ये बहुत ही प्यारा लैम्प है, क्यूट भी है और काफ़ी मनी एफिशिएंट है। सस्ते में मिल गया मुझे, सिर्फ 200 रुपीज़ का ये लैम्प है और इंडिजिनस लैम्प है। आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने एक बल्ब लगाया है और इसे मैं अभी ऑन करूँगी आपके सामने। ये देखिए ये ऑन हो गया, काफ़ी अच्छी लाइट देता है ये चीज़। और इसमें एक सिल्वर कोटिंग लगी है जिसकी वजह से ये बिल्कुल भी हीट नहीं होता है, कितने भी देर तक चला लो इसे। और उसे मैंने चेंज क्यों किया होल्डर वाला बल्ब, क्योंकि मुझे काफ़ी दुखता था आँख में, स्ट्रेन करता था ये, तो इसलिए मैंने चेंज कर दिया। यू कैन सी दैट एवरीथिंग दैट आई हैव यूज्ड हेयर इज़ प्रोबेबली मेड आउट ऑफ वेस्ट थिंग्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ बॉक्सेस बनाए हैं जिसमें मैं अपना स्टेशनरी का सामान रख सकती हूँ। मेरी ब्रदर और सिस्टर दोनों ने मेरी हेल्प की है। तो ये कुछ पेन स्टैंड्स हैं जिसमें मैंने पेन्स रखे हैं, कुछ हाइलाइटर्स रखे हैं, ये तो पूरा मार्केट बना के रखी है पेन की मैंने। और ये मेरे स्केल्स हैं ताकि जब भी मुझे कुछ भी चाहिए हो तो मेरा टाइम ना वेस्ट हो। और साथ में मैंने ये कुछ डायरी दो रखी हैं जिसमें मैं कोई भी रैंडम थॉट आता है तो मैं उसमें लिख लेती हूँ, और मैं पोइट्रीज भी लिखती हूँ तो जब भी मेरे मन में कोई विचार आता है तो मैं यहीं पर लिख लेती हूँ। और साथ में ये एक चादर बिछा ली है मैंने इसके ऊपर, और कोई टेबल क्लॉथ नहीं लिया मैंने, पुरानी चादर थी वही बिछा ली। और ये एक अलमीरा का, जो अलमीरा ख़राब हो गई थी उसका ये एक उसके ऊपर कवरिंग लगी थी उसे काट कर मैंने यहाँ पर लगा लिया। काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो मुझे तो बहुत पसंद आया तो मैंने यहाँ लगा लिया। और ये मेरी वो डेली बुक्स जो मैं पढ़ती हूँ। ये मेरी चेयर है जिसके ऊपर मैंने एक पुरानी शॉल बिछाई है, और मेरे भाई ने ये इसके पिलो सेट किया है ताकि मुझे कभी कोई प्रॉब्लम ना हो बैठने में, तो मैं इस पर बैठ जाती हूँ और आराम से फिर यहाँ पर मेरी स्टडी हो पाती है। और साथ में ही अपने बुक्स का स्टफ़ रखने के लिए ये एक ड्रम पड़ा था हमारे घर में, खाली था, कोई यूज़ नहीं कर रहा था, तो इसके ऊपर ये चादर बिछा के मैंने अपनी बुक्स रख ली हैं जो एक वीक में मुझे काफ़ी यूज़ करनी है किताबें, तो मैं वो मैंने यहाँ रख ली। और साथ में ही मैंने ये एक पेपर बनाया है, पेपर वेट बनाया है, ताकि मैं कोई भी जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखती हूँ एक पर्टिकुलर पेपर पे उसको यहाँ पे अटैच करके साथ में लिख लूँ। और ये मैग्नेट है तो इसके साथ ये लग जाता है, ये मेरे ब्रदर ने बनाया है। सो इस टेबल के बाद और इस चेयर के बाद आपको ये बेड दिखाई दे रहा है। बेड भी मैंने यहाँ पर पहले से ही लगा था, सिर्फ टेबल अरेंज किया है। तो यहाँ पर काम करने के बाद मैं वहाँ पर रेस्ट कर लेती हूँ। ये कमरा काफ़ी एयरी है, सामने भी आप देख सकते हैं विंडोज़ लगी हैं, यहाँ पर भी विंडो है। और इस कमरे में अब पढ़ने का मैं आपको कारण बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी विंटर शुरू हो गई हैं और जिस एरिया में मैं रह रही हूँ
दैट इज़ टू मच कोल्ड, और यहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, तो इसलिए अब ठंड दिन में नीचे वाले कमरे में ठंड होती है, और ऊपर वाले कमरे में क्योंकि धूप आती है तो धूप से कमरा गर्म रहता है, तो मुझे यहाँ पर पढ़ने में काफ़ी आसानी है। ये देखिए ये डोर खुला हुआ है तो, और ये हवा भी काफ़ी अच्छी आती है, तो यहाँ पर धूप लगती है, तो दिन में मुझे लाइट भी नहीं जलानी पड़ती और सीधे रोशनी जो है मेरे टेबल पर पड़ती है, तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ सकती हूँ। तो मैंने अभी ये डिसाइड किया है कि दिन में मैं यहाँ पढ़ूँगी और रात में मैं नीचे पढ़ूँगी, नीचे वाला रूम जो मैंने आपको पहले दिखाया था। जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी है उन्हें पता होगा, और जो लोग आज पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आपको जल्दी मिल जाए। सो फ्रेंड्स, ये है मेरे कमरे का पूरा लुक, आपको ये कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये मेरे कमरे का पूरा लुक है और मुझे ये सेटअप काफ़ी पसंद आया। अगर आपको लगता है कि मैं इसमें कोई चेंजेस कर सकती तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि कोई भी जो बची पुरानी हुई चीज़ है अगर उसका हम मैक्सिमम यूज़ कर सकें तो मैं ज़रूर करूँ। और अभी आप देख सकते हैं ये जो नीचे कबर्ड है इसे मैंने साफ़ नहीं किया क्योंकि इसमें मेरे पापा को सामान रखा है, तो उन्होंने मुझे कहा था कि तुम बस पढ़ो और इसका कुछ मत करना, तो बस मैंने और कुछ नहीं किया है। एंड नाउ आई एम डन विद रूम शोइंग एंड नाउ जस्ट वी विल स्टडी टुगेदर। स्टडी करना काफ़ी आसान हो गया है और मैं साइड बाय साइड स्टैटिक पोर्शन करती हूँ और करंट अफेयर्स भी साथ में करती हूँ। तो जैसे कि मैंने अब हिस्ट्री कर लिए हैं तो अब मैं करंट अफेयर्स कर रही हूँ। करंट अफेयर्स के लिए मैंने एक और ये सोर्स रखा है मनोरमा ईयरबुक 2020 और इसको मैंने पढ़ना शुरू किया है, तो अभी इसके कुछ ही चैप्टर्स मैंने पढ़े हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे आज यहाँ पर स्टडी करके, आज स्टडी करने का फर्स्ट दिन था मेरा यहाँ पर, तो मैंने आपको दिखाया कि मैंने कैसे स्टडी की और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, जो लोग नए हैं इस चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने दो बुक्स का ऑर्डर दिया है जो मैंने एक अमेज़ॉन और एक फ्लिपकार्ट से दिया है, तो जब वो ऑर्डर आ जाएगा तो मैं आपके सामने अनबॉक्स करके आपको दिखाऊँगी और उसका रिव्यू भी दूँगी आपको मैं, और मैं आपको दिखाऊँगी कि वो बुक्स कैसी हैं। तो ये होप्स हो कि मैं तब तक उसे नेक्स्ट वीडियो में अनबॉक्स करूँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए।